एनजीटी के ऑर्डर के नाम पर जो 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं दिल्ली और एनसीआर से, उन्हें उठाना शुरू कर दिया गया है बिना नोटिस के। आपकी गाड़ी आपके घर के नीचे से या सामने से कब गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी धांधली के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं जो सरकार में भी हैं और वो गैर सरकारी भी हैं। इसी के चलते शाहदरा जिले के जो एडिशनल कमिश्नर हैं शाहदरा जोन के, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। जो भारत स्क्रैप फैसिलिटीज है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। कहना यह है लोगों का कि भारत स्क्रैप फैसिलिटी, पाइन व्यू और एमसीडी के जो अधिकारी हैं, शाहदरा जिले के डीसी से भी बात हुई थी इस संबंध में, जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनसे भी बात हुई थी इस संबंध में, लेकिन सब हल्के में ले रहे हैं। और अब इन लोगों की साठगांठ के चलते इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। पूरी जो जानकारी है आपसे हम साझा करते हैं। पहले भी हमने एक खबर आपके समक्ष लाए थे और आपको बताया था कि क्या कुछ दिल्ली के अंदर चल रहा है। ये लिंक जो है इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही शाहदरा जिले का जो एमसीडी दफ्तर है पड़पड़गंज वाला, उसके एरिया के अंदर 3 से 4 गाड़ियां ऐसी उठी जिसकी सूचना हमें प्राप्त हुई। उन गाड़ियों को पाइन व्यू करके कंपनी है जिसने बिना नोटिस दिए उठा लिया, और उसके बाद जब उठा के ले जाते हैं गाड़ी तब वो नोटिस उनको सर्व करते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो दिल्ली से रजिस्टर्ड नहीं है, वो अन्य राज्यों की गाड़ियां दिल्ली के अंदर हैं जो अपने राज्यों के अंदर 10 साल से ज्यादा चल सकती हैं। लिहाजा अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी नहीं कटवाना चाहता है या फिर बेचना चाहता है कबाड़ के अंदर, तो वो अपने राज्य में वापस वो लेके जाएगा। लेकिन अब चल क्या रहा है, पूरा पाइन व्यू वाले घरों के नीचे से गाड़ियां उठा के लेके जा रहे हैं, सोसाइटी के अंदर से गाड़ियां उठा के लेके जा रहे हैं, और कई जगहों पे तो ये देखा गया है कि घर के अंदर अगर कोई है ही नहीं, घर के बाहर से गाड़ी लेके चले जाते हैं और बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए, बिना नोटिस दिए, इस तरह की लूट जो है वो चल रही है। एक शख्स ने इस पे आपत्ति जताई और एडवोकेट मुकेश कुल्थिया के माध्यम से असिस्टेंट कमिश्नर और भारत स्क्रैप फैसिलिटीज करके जो स्क्रैपिंग वाली कंपनी है और जो एमसीडी के असिस्टेंट कमिश्नर हैं शाहदरा जोन के, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है चोरी की। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को यह शिकायत दी गई है कि बिना नोटिस के कुछ लोग, जिसमें पाइन व्यू मेन भूमिका निभाता है सड़क के ऊपर, क्योंकि शायद अधिकारियों के साथ साठगांठ है, क्योंकि जब डीसी शाहदरा को यह बताया गया, जो मैडम है साउथ जोन की, उनको जब यह बताया गया कि इस तरह की चीजें होती हैं, तो उनका कहना यह है पूरे कानून के तहत इस तरह की चीजें करी जा रही हैं। बहुत लाइटली उन्होंने इस चीज को लिया। असिस्टेंट कमिश्नर से भी मिले तो उन्होंने भी तमाम चीजें जो हैं वो कहा कि हम पूरे कानून के दायरे में रह के चीजें कर रहे हैं। अब या तो वो लोग सही हैं या फिर जो कोर्ट ऑफ ऑफिसर होते हैं, जो लॉयर होते हैं, कानून की जो समझ रखते हैं, उस लॉयर ने अगर असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर और भारत स्क्रैप फैसिलिटीज के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज करा दी है चोरी की, तो उसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर देखी होगी कि वो कानूनी तौर पे सही नहीं है, और इसकी जो शिकायत है वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तक मार करी गई है। तो अब जो ये आप एफआईआर देख रहे हैं, ये पूरी एफआईआर है जो मार करी गई है दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, डीसीपी विजिलेंस और तमाम लोगों को। इसमें साफ तौर पे शाहदरा जोन के जो एडिशनल कमिश्नर हैं उनके नाम पे, साथ ही भारत स्क्रैप फैसिलिटी जो है उसके नाम पे ये एफआईआर हुई है। और इसका जो ग्राउंड पे जो गाड़ियां उठाते हैं वो है पाइन व्यू वाले। अब जब ये एफआईआर अधिकारी पे ही करा दी गई है, तो क्या जो साठगांठ चल रही है अधिकारियों की और इन निजी स्क्रैपर्स की, उस पे लगाम लगेगी या फिर पुलिस इस पे कोई कार्रवाई करेगी? ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो उठ खड़ी हुई हैं, तमाम सवाल जो हैं लोगों के, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर हमारी दिल्ली की गाड़ी है ही नहीं तो हम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, कहीं पे भी ले जाके हम उसको 10 साल से ज्यादा, क्योंकि 15 साल तो आरसी पे ही मेंशन होता है, तो हम 5 साल और चला सकते हैं, लेकिन जो मनमानी या फिर लूट या फिर चोरी जिसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है,
ये कहां तक सही है और इस पे कार्यवाही क्या होगी, कोर्ट के अंदर जब इनको बुलाया जाएगा तो ये अपने पक्ष क्या रखेंगे, ये समय रहते तय करा जाएगा। अब इस पूरी घटना पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, क्या आपके क्षेत्र से भी इस तरह बिना नोटिस दिए गाड़ियों की चोरी करी जा रही है, गाड़ियों की लूट हो रही है, ये आप कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें। और अगर इस तरह की घटनाओं पे आप अपने विचार रखना चाहते हैं और इस पे लीगल जानना चाहते हैं तो एडवोकेट मुकेश कुलथिया से आप जानकारी भी ले सकते हैं, उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका नाम नंबर भी मेंशन कर दूंगा जिन्होंने ये FIR दर्ज कराई है असिस्टेंट कमिश्नर MCD शाहदरा जोन के ऊपर। तो इस घटना पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट और अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।